अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, IYTV ऑफिशियल में खुश आमदीद। दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि रेंजर कैडेट कॉलेज में मास्टर क्लासेस जिन्होंने किया हुआ है उनके एजुकेटर की, मतलब उनके महकमे तदरीस या तलीम में नई भर्तियाँ शुरू कर दी गई हैं। ये बहुत ही खुशी की खबर है कि रेंजर कैडेट कॉलेज ने नई भर्तियों का ऐलान कर दिया है। उनको मुख्तलिफ मजामीन में नए टीचर्स चाहिए जो उनके कैडेट कॉलेज को चला सकें, वहाँ पर तदरीस का अमल शुरू कर सकें। ये बहुत बड़ी आला खुशखबरी है तमाम एजुकेटर्स के लिए जिन्होंने मास्टर लेवल में मुख्तलिफ मजामीन में मास्टर किया हुआ है। तो दोस्तों, मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ कि वो जॉब्स कहाँ हैं और उसके एड्स कहाँ हैं और वो आपको कैसे मिलेंगे। दोस्तों, रहिए मेरे साथ, आइए हम सर्च करते हैं। डायल पैड में सर्च जाना है, उसके बाद आपने गूगल में चले जाना है। जैसे ही आप गूगल खोलेंगे तो दोस्तों, मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में, बल्कि एक से ज़्यादा वीडियो में बता चुका हूँ कि एक ही वेबसाइट है, उस पर जाकर आपने सर्च करना है और तो आपको ऐड मिल जाएंगे। जो भी नई नई जॉब के ऐड आते हैं वो आपको मिल जाएंगे। या कोशिश कीजिए करें कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी नई जॉब्स आएँ ताकि उनकी नोटिफिकेशन आप तक बआसानी से मिल जाए। ताकि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसको लाइक करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंची जाए। तो दोस्तों, मैंने सबसे पहले pakistanjob.net को सर्च खुद से किया हुआ था, लेकिन आपको दोबारा सर्च करके दिखा देता हूं कि कैसे सर्च करना है। पाकिस्तान, यही वो वेबसाइट है जिसको मैं सर्च करने जा रहा हूँ, pakistanjob.net। इसी वेबसाइट से आपको प्रूव करके दिखाऊँगा कि जॉब्स आई हुई हैं या नहीं है, उनका ऐड चल रहा है या नहीं है, क्या लाया अमल उन्होंने अख्तियार किया हुआ है, क्या चीज़ उन्होंने मांगी हुई है, कितने परसेंट मांगे हुए हैं, क्या है। लेकिन देखें दोस्तों, इनका पहला पेज खुल चुका है, pakistanjob.net, ये उसका फेसबुक पेज है, लेकिन इसका ऑफिशियल पेज जहाँ कहीं भी है वो हमने सर्च करना है। ये राजी pakistanjobs2020 डेली लेटेस्ट न्यूज़पेपर एड्स ऑनलाइन, ये राजी इसका ऑफिशियल पेज, इस पर आप लोगों ने क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, इसके ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बताया था कि वहाँ पर एक आदमी जा रहा है बैग ला कर, बैग लेकर भागने को जा रहा है, ये वो जा रहा है pakistanjob.net जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। तो दोस्तों, इसकी स्लाइड शुरू हो चुकी है, अब ये वेबसाइट खुल चुकी है और आपने जॉब्स के ऐड देखने हैं, तो आपने जॉब्स पर क्लिक करना है। दोस्तों, मैंने ये सर्च के ऑप्शन में नीचे 4-5 चीज़ें दिखा रहा हूँ, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने क्योंकि जॉब देख रहे हैं ना ही, आपने व्हीकल देखनी है, रियल इस्टेट ना देखनी है, ना ही पेट्स देखनी है, ना ही मैकेनिक्स देखनी है, ना ही सर्विस देखनी है, कुछ भी नहीं आपने देखना, सिर्फ आपने जॉब देखना है। तो सर्च फॉर जॉब के लिए आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप जॉब के लिए क्लिक करेंगे तो सबसे पहला जो जॉब का ऑप्शन आएगा, जो भी ऐड पहला खुलेगा, वो यही शो करवा रहा है कि रेंजर कैडेट कॉलेज जॉब्स, रेंजर कैडेट कॉलेज जॉब के लिए आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐड खुलकर सामने आ जाएगा, जिस पर आप देख सकते हैं कि कौन सी जॉब्स हैं और क्यों जॉब्स उन्होंने निकाली हुई हैं। डेफिनेटली दोस्तों, जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वही चीज़ है, जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वही है बिल्कुल। ये लें जी, ये ओपन हो गया ऐड, रेंजर कैडेट कॉलेज चाकरी रावलपिंडी में। जी जनाब, रावलपिंडी वालों के लिए बहुत ही खुशखबरी है, और बल्कि आल पाकिस्तान के लिए है। रावलपिंडी तो बेस है, वहाँ पर बोर्ड ऑफ गवर्नेंस ऑफ रेंजर कैंडिडेट कॉलेज चाकरी इनवाइट्स एप्लीकेंट्स फ्रॉम वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस इंडिविजुअल बाय अपॉइंटमेंट एज टीचर ऑन परमानेंट बेसिस इन फॉलोइंग डिसिप्लिन। हाँ जी, उन्होंने टीचर्स को क्या किया है, अपॉइंट किया है परमानेंट के लिए, परमानेंट जॉब है जी ये, बहुत और भी खुशखबरी हो गई है। ये जो फैकल्टी उन्होंने रिक्वायर्ड की है वो क्या क्या है, किन किन मजामीन में उनको टीचर चाहिए, इंग्लिश में चाहिए सबसे ज़्यादा, फिर चाहिए केमिस्ट्री में, फिर फिजिक्स में, बायोलॉजी में, मैथमेटिक्स में, कंप्यूटर में, साइंस में, कंप्यूटर साइंस में, उर्दू में, इस्लामियत एंड पाकिस्तान स्टडी, इन सब में उनको टीचर चाहिए। बहुत आला खुशखबरी है, वाह भी वाह। अच्छा, इसके बाद फिर कहता है कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन उन्होंने जो रिक्वायर किया हुआ है कि MA और MSc और BS इन आर रेलिवेंट सब्जेक्ट, जो भी मतलब कि अगर इस्लामियत गया तो इस्लामियत में होना चाहिए, इंग्लिश गया तो इंग्लिश में होनी चाहिए, ये सारी क्वालिफिकेशन, केमिस्ट्री गया तो केमिस्ट्री में होनी चाहिए, उर्दू का उर्दू में होनी चाहिए, उनकी ये रेलिवेंट जो ऊपर सब्जेक्ट दिए हुए हैं इनके उन्होंने टीचर मांगे, इनमें ये तालीम मुकम्मल होनी चाहिए। फ्राम एनी गवर्नमेंट और HEC रेकग्नाइज प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट,
एक्सपीरियंस वो मांग रहे हैं जी, मिनिमम 3 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस इन वेल रिगार्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, यानी वो 3 साल का कम से कम तजर्बा वो पढ़ाने का टीचिंग का मांग रहे हैं, जो कि उनके लिए बेहतरीन मौका है। जो प्राइवेट टीचर्स किसी स्कूल में किसी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं उनके लिए बेहतरीन मौका है, वो अप्लाई करें ताकि हो सकता है उनकी ज़िंदगी समझने के लिए हो, ये एक अच्छा मौका है। उसके बाद फिर वो इसके सारे जितने भी उसकी कवायद व जवाबित हैं उसने सारे शेयर किए हुए हैं, ना ही वो डीए देगा, ये आप लोग सबसे ज़्यादा याद रखना चाहिए कि अगर बैरून सिटी से कोई लोग जा रहे हैं उनको कोई आने और जाने का खर्चा नहीं दे सकते वो लोग, एप्लीकेशन के ये फॉर्म लगे हुए हैं, क्या क्या चीज़ें चाहिए क्या क्या चीज़ें नहीं चाहिए, एज लिमिट उसने 30 किया हुआ है, हर चीज़ उसने अपनी बता दी है। उसके बावजूद जो भी मेरा दोस्त वो ही हो या शी हो कोई भी हो वो अप्लाई करे, अल्लाह करे उसके नसीब अच्छे हों और उनको जॉब मिल जाए, ये तो मेहनत भी है, जितनी मेहनत करोगे उतना सिरा मिलता जाएगा। तो और अगर आपको कोई और चीज़ की परेशानी है तो मुझे कमेंट में याद कीजिएगा, और अगर आपको इससे भी मुतफिक नहीं है तो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट लिखी हुई है www.rangerscadetcollege.edu.vk, इससे आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, इससे भी देख सकते हैं, उन्होंने खुद भी ये ओपन की हुई है, ओपन की ये ऐड है, मैंने दिखा दिया आपको। वस्सलाम, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।